क्या मंसूर के ससुराल से उसकी बीवी के लिए नाश्ता नहीं आएगा? अम्मी, पप्पू कुछ पूछ रही हैं? रहने दो हसन बेटा, इसका जवाब मुझे अच्छी तरह से मालूम है। अरे खानदानी लोग होते हैं जो रस्म और रिवाज का ख्याल करते हैं, और अब ऐसे लोग रह कहाँ गए? बेटियों की शादी करके सर से बोझ उतार देते हैं। अब्बा तौबा, अल्लाह माफ करे, हसकम जहां पाक। अब्बा, हर कोई अपनी बसात के मुताबिक ही करता है ना। लीजिए आगे बोलो। यहाँ बैठ। गुड मॉर्निंग। क्या सलाम करते हुए मुंह दुखता है तुम्हारा? जी आपने कुछ कहा? गुड मॉर्निंग भाभी। पप्पू गुड मॉर्निंग भी चलता है। बेटा तुम नाश्ता करो। मैं कुछ निकाल दूँ आपको? नहीं मैं खुद निकाल लूंगी। अपा आज पहला दिन है इसका, आहिस्ता आहिस्ता सीख जाएगी सब। अब क्या सीखेगी? क्या सीखने की भी कोई उम्र होती है? बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल नहीं होती। जहां से आई हो क्या उन्होंने कुछ नहीं सिखाया तुम्हें? पापा मीना कह रही है ना कि वो सीख जाएगी, तो सीख जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। अल्लाह करे। ठीक से नाश्ता दो। ये मुझे देना। वो कौन होती है मुझे तमीज सिखाने वाली? हमारे घर की बड़ी हैं। ऐसे होते हैं बड़े? मिजाज की थोड़ी तेज है। अच्छा, मिजाज के और भी लोग तेज हो सकते हैं। बेटा मीना तुम बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन इस वक्त इस बात को नजरअंदाज कर दो तो ज्यादा बेहतर है। देखो मीना, तुम्हारा ताल्लुक मुझसे, अम्मी से, उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। इस बात को समझने की कोशिश करो। हाँ बात तो ठीक है। तो फिक्र मत करो ना बेटा, मैं समझा दूंगी उनको। जी बेहतर। अच्छा शाम को हम तुम्हारे पेरेंट्स के घर पे जा रहे थे, बात हुई उनसे? भूल ही गई अब्बा को फोन करना। कोई बात नहीं, अभी कर लो। अम्मी वैसे आपको ना क्रिकेट कोच होना चाहिए। शुरू में ऐसा अटैक आपने किया, सीधा क्लीन बॉल, क्या बात है। अरे लड़की में दम ही कहाँ है, और वैसे भी अगर हरीफ दमदार हो ना, अरे तो ही तो मजा आता है मुकाबले का। वैसे आप उसे हल्का ले रही हैं। और नहीं तो क्या? ये आपको भूलना नहीं चाहिए। क्या मतलब? थोड़ा उसे टाइम दें, उसके भरपूर से निकलने दें, फिर आपको बताएगी वो। अच्छा तो ये ख्याल है तुम्हारा। जी